अब आइए इसके बारे में हम बात करते हैं शस्य क्रियाओं की। तो शस्य क्रियाओं के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि हम जब भी मूंग की बुआई करें एक साफ खेत में करें, उसमें पानी का ठहराव बिल्कुल ना हो तथा बुआई से पहले उसमें पर्याप्त मात्रा में नमी हो। अगर नमी ना हो तो जिसको हम कहते हैं प्री सोइंग इरीगेशन अथवा पलेवा, एक बार अवश्य कर लें और क्रॉस प्लैंकिंग करके, क्रॉस जुताई करके, यानी कि एक बार पूर्व से पश्चिम की ओर तथा एक बार उत्तर से दक्षिण की ओर उसमें पाटा लगा दें और फिर बुआई करें। साथियों, यह भी आवश्यक है कि आप जब भी बुआई करें तो पंक्तियों में करें, पंक्ति से पंक्ति की दूरी 22 से 30 सेंटीमीटर रखें तथा पौधे से पौधे की दूरी 5 से 7 सेंटीमीटर रखें। इस प्रकार से आपको एक जो ऑप्टिमम पॉपुलेशन होती है या जो पौधों की संख्या होती है वह प्रति हेक्टेयर में प्राप्त हो जाएगी।